हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी दोस्तों। तो देखिए, मैंने लिया है आधा कप जो है ये दलिया है गेहूं का। और सबसे पहले मैं आपको दूध में कोकोआ पाउडर मिला रही हूँ दोस्तों, तो क्योंकि हम इसमें कलर के लिए कोकोआ पाउडर जो है डालेंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा दूध था और मैंने कोकोआ पाउडर 2 चम्मच लिया है और 2 चुटकी ही मैंने कलर फूड कलर लिया है दोस्तों। तो इन सबको मैंने मिक्स कर लूँगी मैं। और ये देखिए, मिक्स करने के बाद मैं दिखा रही हूँ, मेरा ये एक कटोरी जो है कोकोनट पाउडर था। और अब ये है मेरा दूध, 1 लीटर दूध है लगभग। और दूध को देखिए, मैंने उबलने तक पका लिया है। तो दूध को हमें फाड़ना है दोस्तों। तो इसमें मैं अभी एक ढक्कन जो है विनेगर के ढक्कन से, जो विनेगर का हमारा बॉटल होती है उससे मैंने एक ढक्कन ही सिर्फ इसमें सिरका डाला है। तो देखिए, अगर 1 चम्मच से आपका नहीं दूध फटता है तो आप 1 चम्मच और डाल दीजिए, लेकिन मेरा 1 चम्मच से ही जो है वो हो गया है, फट गया है, तो मैंने 1 ही चम्मच डाला है। अब मैं ले रही हूँ गेहूँ की दलिया। तो ये दलिया से मैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही लजीज जो है एक बर्फ़ी बनाने वाली हूँ दोस्तों। तो देखिए, दलिया को मैंने धो लिया था और मैंने उसे अच्छे से धो करके डाल दिया है। और ये है मेरा कोकोआ पाउडर का घोल जो मैंने बना कर तैयार किया था, पहले से ही मैंने आपको दिखाया है। तो इन सबको मैं दूध में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स हो गया दूध हमारा, पक रहा है फट करके। और ये है मेरा 1 कटोरी कोकोनट पाउडर। तो ये मैंने घर पर ही कोकोनट को जो सूखा वाला नारियल होता है उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, वहीं जो बारीक वाला ग्रेटर होता है उससे मैंने ग्रेट कर लिया था। और ये जा रहा है मेरा 1 चम्मच देसी घी। तो दोस्तों, देसी घी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, और क्योंकि हमें देसी घी में इसे भूनना है और इसलिए बहुत ही लजीज, बहुत ही हेल्दी ये तैयार होती है बन करके। और ये है मेरा 1 कटोरी जो है ये चीनी है। तो चीनी जो है, चीनी की मात्रा आप इसमें ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। तो मैंने 1 ही कटोरी डाली थी दोस्तों, क्योंकि इतना मेरे लिए पर्याप्त है, आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। और ये है मेरा कुछ फ्रूट्स, मेरे कुछ ड्राई नट्स हैं। तो देखिए, ये है मेरे काजू और बादाम, थोड़ा सा मैंने काट लिया था और मैं इसे थोड़ा सा बचा लूँगी। और आप अपने हिसाब से ये ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आप चाहें। तो दोस्तों, ये है मेरा देसी घी 1 चम्मच और। तो इसे देसी घी में ही हमें भूनना है दोस्तों अच्छे से। इसका देखिए कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है, मैंने इसे लगभग 20 मिनट तक देसी घी डाल कर भूना है। और अब ये अच्छे से इसका जो है थिकनेस हो गया है। और अब मैं एक ट्रे ले रही हूँ और इसमें मैंने देसी घी लगा लिया है। तो अब इस सारे मिश्रण को हम इसमें फैला लेंगे दोस्तों। और देखिए, मेरा कितना सूख गया है। तो इतना सूखने तक इसे हमें भूनना है और अच्छे से हम इसे चम्मच से फैला देंगे। और इसे अच्छे से हम इसको फैलाने के बाद इसको अच्छे से थपथपाएंगे, चिकना कर लेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और डालेंगे, ऊपर से गार्निशिंग करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही लजीज ये बनकर तैयार होती है। ज़रूर एक दिन बनाएं अपने घर पे। 1 लीटर सिर्फ दूध लगता है, दलिया तो सबके घर में मौजूद होता है। थोड़ा बहुत नट्स भी आप डाल सकते हैं, और कुछ इसमें ज़्यादा पड़ेगा नहीं, चीनी तो रहती ही सबके घर में। लेकिन ये जब बर्फ़ी बनकर तैयार होती है ना, तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो दोस्तों, इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था जल्दी से ठंडा होने के लिए, क्योंकि मुझे दिखाना था। आप बाहर भी रख सकते हैं फ्रिज के बाहर। तो इसे मैं जल्दी से कट कर लूँगी दोस्तों। तो आप जिस शेप में चाहें इसे कट कर लें, तो मैंने बाज़ार वाली शेप टाइप मैंने कट किया है दोस्तों। तो इस तरह से बनाएं और घर पर ये बनाएं दोस्तों, मेरा यकीन मानिए बहुत ही गजब की मिठाई तैयार होती है। अगर मेहमान आने वाले हैं तो बाज़ार से मिठाइयाँ मत मंगवाएं, ये बनाएं आप, आधे घंटे में ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने में तो इसका मज़ा ही आ जाता है दोस्तों। तो देखिए, इसको बनाकर मेहमान को आप जब देंगी ना, तो मेहमान भी सोचेंगे कि कहाँ से ये मिठाई आई है, इतनी अच्छी ये बनकर तैयार होती है। तो बनाएं, मेहमान को खिलाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मस्त। और बाज़ार की तो मिठाई भूल ही जाएंगे। तो बनाएं, खाएं, इसका मज़ा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।